Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time, I am going to discuss with you a new topic, that is fostering social consciousness among learners. It is a new topic which has been introduced in your new syllabus in accordance to NEP 2020, which is learning outcome-based syllabus. Okay. तो फोस्टरिंग सोशल कॉन्शियसनेस अमंग लर्नर्स मतलब कहना जा रहा है कि विद्यार्थियों में सीखने वालों में सामाजिक चेतना, सामाजिक इसको आप ढूंढेंगे गूगल करेंगे सोशल अवेयरनेस और सोशल कॉन्शियसनेस इन्होंने लगभग एकदम इक्वल सिनोनिम करके दिया है. तो सामाजिक चेतना को फोस्टर करना, इनकलकेट करना, बच्चों को सिखाना कि कैसे उनके अंदर सामाजिक चेतना जागृत की जा सकती है. क्यों जरूरी है ये? इसलिए जरूरी है कि हम समाज का हिस्सा हैं, पढ़े लिखे हैं तो हम सामाजिक, हमको कृत्य करने चाहिए, गैर सामाजिक कृत्यों से दूर रहना चाहिए. कैसे हम लोग मिलकर एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं, इसके लिए सामाजिक चेतना जरूरी है. तो सोशल कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस ऑफ सोसाइटी is inseparable from self-consciousness because people can't think of themselves without reference to a social group. कहा जा रहा है कि जो सामाजिक चेतना है वो स्वचेतना से अलग नहीं कर सकते आप. क्यों? क्योंकि हम अपने आप को समाज के हिस्से के रूप में, समाज के रेफरेंस के रूप में ही स्वीकार करते हैं. सोशल कॉन्शियसनेस और सोशल अवेयरनेस इज द अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग दैट पीपल हैव ऑफ देयर सोशल क्लास एंड द सोसाइटल स्ट्रक्चर्स दैट इन्फ्लुएंस देयर लाइफ्स. सामाजिक चेतना का मतलब उस चेतना से है जिसमें कि हम एक अपने आप को किस तरह से परसीव करते हैं कि हम किस सोशल क्लास को बिलोंग करते हैं, हमारा सोसाइटल स्ट्रक्चर क्या है, और ये सब हमारे जीवन को प्रभावित करता है. इट इज ऑल्सो द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस शेयर्ड बाई इंडिविजुअल्स विद इन ए सोसाइटी. सामाजिक चेतना को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सामूहिक चेतना है, शेयर्ड बाई इंडिविजुअल्स. एक समाज में रहने वाले वो व्यक्तियों का समूह वो सामाजिक या आप कह सकते हैं सामूहिक चेतना को शेयर करता है. Social consciousness denotes conscious awareness of being part of an interrelated community of others. यानी कि सामाजिक चेतना का मतलब है कि वैसी चेतना जो हमारे कॉन्शियस है, मतलब चेतन रूप में हम जानबूझ के समझते हैं उसको कि हम इस समाज का हिस्सा हैं, तो हमको इस तरह से ये सोशल नॉर्म्स फॉलो करने होंगे. It includes the level at which one is aware of how he or she is influenced by others as well as how his or her actions may affect others. मतलब ये उस लेवल को इंक्लूड करता है या समाहित करता है या समझता है कि हमको इस बात का भान है, सॉरी अवेयरनेस है, हम जागृत हैं इस हिसाब से कि हम कितना दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं और कितना दूसरों के कृत्य हमको प्रभावित करेंगे. बीइंग अ मेंबर ऑफ सोसाइटी हमको ये भान होता है. एमएन ट्रॉप ने 2007 में डिफाइन किया कि द डेवलपमेंट ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस यानी कि सामाजिक चेतना के विकास से क्या समझा जाएगा, अ प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है इन्वॉल्विंग इंक्रीजिंग अवेयरनेस जिसमें कि आपकी जागृत अवस्था को, चैतन्यता को बढ़ाया जाएगा. कैसे? कौन सी चैतन्यता को? सामाजिक और ऐतिहासिक कंटेक्स्ट में. और क्या किया जाएगा? द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली अबाउट टाइम एंड प्लेस. हमको ये सीखना होगा, ये योग्यता हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम समय और स्थान के एब्स्ट्रैक्ट रूप में भी सोच सकें. एंड बियॉन्ड द इमीडिएट एवरीडे कंडीशंस टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल एक्सपीरियंस इज एम्बेडेड इन ए ब्रॉडर सिस्टम ऑफ सोशल सॉल्यूशंस, है ना. तो सामाजिक चेतना ये है कि हमको चैतन्य हों, हम जागृत हों कि हमारा सामाजिक और ऐतिहासिक कंटेक्स्ट क्या है, परिदृश्य क्या है, हम एब्स्ट्रैक्ट रूप से चिंतन कर सकें, हम इमीडिएट एवरीडे कंडीशंस के बियॉन्ड भी सोच सकें. क्यों? क्योंकि हम ब्रॉडर सिस्टम ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस का, सोशल कंडीशंस का हिस्सा हैं, है ना. सोशल कॉन्शियसनेस और इमोशनल इंटेलिजेंस देखिए जुड़ी हुई है. क्यों? क्योंकि भाई इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या है, इंटर इंटेलिजेंस और इंट्रा इंटेलिजेंस, मतलब इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल. तो और जैसे ही आप इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, जैसे ही इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस की बात करेंगे, दो व्यक्तियों के बीच की इंटेलिजेंस की बात करेंगे, सोशल कॉन्शियसनेस आ जाएगा. मतलब सोशल कॉन्शियसनेस और इमोशनल इंटेलिजेंस एक दूसरे से रिलेटेड है. कैसे रिलेटेड है? जो इमोशनल इंटेलिजेंस होते हैं उसके चार एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि पिलर है. पर्सनल पिलर में अगर मतलब अवेयरनेस और मैनेजमेंट, सॉरी आई बिकम स्लीपी. तो
ये जो अवेयरनेस है, मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस को आप दो भागों में बांट लीजिए, या आपको चैतन्यता आनी चाहिए, होनी चाहिए इमोशनल इंटेलिजेंट होने के लिए, और मैनेजमेंट आना चाहिए। चैतन्यता किसकी हो? अपने बारे में और समाज के बारे में, यानी कि सेल्फ अवेयरनेस तो हो ही, सोशल अवेयरनेस भी हो, यही तो सोशल कॉन्शियसनेस है जो हम पढ़ रहे हैं। और मैनेजमेंट हमको किसका करना है? खुद का भी करना है और रिलेशनशिप का भी मैनेजमेंट करना है, यानी कि दो लोगों के बीच का भी मैनेजमेंट तो संभालना ही संभालना है, अपना भी मैनेजमेंट संभालना है, उसी तरह से अपने प्रति भी अवेयर होना है और समाज के प्रति भी अवेयर होना है। तो इस तरह से इमोशनल इंटेलिजेंस का एक सब पार्ट सोशल कॉन्शियसनेस है। अब सोशल कॉन्शियसनेस के कुछ लेवल थे, पांच लेवल की बात की गई है सोशल कॉन्शियसनेस में। पहला क्या है? इम्बेडेड, फिर है सेल्फ रिफ्लेक्सिव, फिर है एंगेज्ड, फिर है कोलैबोरेटिव और फिर है रेजोनेंट। तो इन पांचों लेवल की अगर बात की जाए तो इम्बेडेड में वेयर कॉन्शियसनेस इज शेप्ड विदाउट कॉन्शियस अवेयरनेस बाय सोशल कल्चरल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स एंड विच इज अ काइंड ऑफ पर्सनल कॉन्शियसनेस। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो ये सबसे निम्नतम स्तर की कॉन्शियसनेस है और इसको आप पर्सनल कॉन्शियसनेस से भी संबद्ध रख सकते हैं, और इसमें हम बहुत ज्यादा सोशल कल्चरल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स से अवेयर नहीं होते। फिर आता है सेल्फ रिफ्लेक्सिव, उसके ऊपर, इन विच पीपल गेन अवेयरनेस ऑफ हाउ देयर एक्सपीरियंस आर कंडीशनड बाय द सोशल वर्ल्ड थ्रू रिफ्लेक्शन एंड कंटेम्पलेटिव प्रैक्टिसेस। मतलब एम्बेडेड तो पर्सनल है, उसमें हमको कोई सोसाइटी वोसाइटी से मतलब नहीं है, लेकिन जैसे हम थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्सिव पे जाते हैं, हम रिफ्लेक्शन पार्ट को समझते हैं, तो हमको थोड़ा बहुत ये समझने लगते हैं कि कैसे हम सामाजिक वर्ल्ड के हिसाब से हमारा एक्सपीरियंस जो है वो उसके रिफ्लेक्शन का हम पर प्रभाव पड़ता है। फिर इंगेज, उससे भी ऊपर, इन विच पीपल आर not only aware of the social environment but begin to mobilize an intention to contribute to the greater good in some outwardly directed way। यानी कि engaged में हम ये तो मानते ही हैं कि नहीं, समाज हमें प्रभावित करता है, बल्कि हम कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए भी। Collaborative way in which people see themselves as a part of the collective and begin to work with others to co-create or shape the social environment by collaborative actions such as collective inquiry, social networking and learning। यानी कि यहाँ पे हमको ये भी पता है कि हम समाज द्वारा प्रभावित हो रहे हैं, हम ये भी चाहते हैं कि समाज के लिए कुछ अच्छा करें और collaboration में हम करते भी हैं। और लास्ट में रेजोनेंट, यानी कि हाईएस्ट लेवल ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस है, इन विच पीपल रिपोर्ट अ सेंस ऑफ एसेंशियल इंटर रिलेटेडनेस विद अदर्स। यानी कि हम अंतः सह संबंध महसूस करते हैं दूसरों के प्रति। अ फील्ड ऑफ शेयर्ड एक्सपीरियंस एंड इमर्जेंस दैट इज फेल्ट एंड एक्सप्रेस्ड इन सोशल ग्रुप्स एंड दैट स्टिमुलेट्स सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। और जब हम सामाजिक हित को इतना अंदर से महसूस करेंगे तो सामाजिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। फिर उसके बाद ये भी वही है कि इट इज़ नॉट हायरार्किकल, मतलब ये इस तरीके का नहीं है कि एक बार इम्बेडेड रहेगा फिर इंगेज रहेगा सेल्फ रिफ्लेक्शन, नहीं, इट इज नॉट हायरार्किकल इन दैट वन स्टेप डज नॉट लीड इन लीनियर फैशन टू अनदर। एक स्टेप दूसरे को लीनियर फैशन में आगे नहीं बढ़ा रहा है। इंस्टेड वी इनविजन दिस मॉडल इज ए नेस्टेड सेट ऑफ इंटर रिलेटेड लेवल्स ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस, जबकि इसको एक अंतः से संबंधित लेवल माना गया है, लीनियर या हायरार्किकल नहीं माना है। It is integral in that as people move through the five levels of social consciousness, each level is simultaneously transcended and included. यानी कि हर लेवल में पिछला लेवल included है। When social consciousness matures, it does not leave behind the embedded level. यानी कि personal consciousness हमेशा रहेगी। ऐसा नहीं है कि हम personal को छोड़कर social पे जाएंगे। इसका मतलब कि ये सब interconnected हैं। Indeed, the fundamental influence of that level is recognized as are the vital roles of self-reflexivity, engagement, collaboration and resonance. यानी कि सबसे पहले embedded, फिर self-reflexive, फिर engaged, फिर collaborative और फिर resonant models की levels की बात social consciousness में की गई है। यही है ये level। देखिए embedded, देखिए इन्होंने लीनियर नहीं बनाया, इम्बेडेड आपका रेजोनेंट में भी है, इम्बेडेड सब में है, ये चारों पांचों सब एक ही में है। तो इम्बेडेड क्या है? कॉन्शियसनेस इज पैसिवली शेप्ड आउटसाइड ऑफ अवेयरनेस बाय बायोलॉजिकल सोशल एंड कल्चरल फैक्टर, यानी कि यहाँ पे आपको सोसाइटी प्रभावित नहीं कर रही है। सेल्फ रिफ्लेक्सिव में हम थोड़े से अवेयर हो जाते हैं, बिकमिंग कॉन्शियसली अवेयर ऑफ हाउ द एनवायरमेंट कंडीशंस एक्सपीरियंसेस, कि वातावरणीय कंडीशन को हम कैसे अनुभव कर रहे हैं। फिर इंगेज्ड में ब्रिंगिंग इंटेंशन एंड हम थोड़ा जानबूझ के कुछ करने की कोशिश करते हैं जिससे समाज का भला हो। फिर कोलैबोरेटिव में को क्रिएटिंग एंड शेयरिंग कॉन्शियसनेस टुवर्ड द ग्रेटर गुड, मतलब हम लोगों के साथ मिलजुल कर समाज के हित में काम करना चाहते हैं। और रेजोनेंट में पार्टिसिपेटिंग इन एन इमर्जेंट फील्ड ऑफ शेयर्ड एक्सपीरियंस विद अ फेल्ट सेंस ऑफ एसेंशियल इंटरकनेक्टेडनेस विद अदर्स, मतलब हम फील करते हैं, हम इंटरकनेक्टेडनेस को शेयर करते हैं कि ये आप हमारे समुदाय के हैं, आप हमारे देश के हैं, आप हमारी लोकेलिटी के हैं, आप हमारे शहर के हैं, तो हम उनसे सहसंबंध शो करते हैं और फील भी करते हैं। और फोस्टरिंग सोशल कॉन्शियसनेस कैसे आप डेवलप करेंगे अपने स्टूडेंट्स में?
तो हो जाएगा कि इट इज क्लियर दैट नेविगेटिंग लाइफ इन द 21st सेंचुरी विल रिक्वायर नॉट सिंपली द एक्विजिशन ऑफ न्यू स्किल्स बट ऑल्सो द इंटेंशनल कल्टिवेशन ऑफ नॉवल स्टेट्स ऑफ माइंड. यानी कि हमको 21वीं शताब्दी में जीवन जीने के लिए हमको सिर्फ बेसिक स्किल्स नहीं चाहिए बल्कि कुछ स्पेशल चाहिए. Among those skills most essential for success in the new era of global connectivity will be greater cognitive flexibility, comfort with unfamiliarity, appreciation of diverse perspectives, agility in the face of rapidly changing circumstances, ability to hold multiple perspectives simultaneously, and the capacity for discernment that relies equally on intellect and intuition. यानी कह रहे हैं कि हमको आना चाहिए. क्या क्या आना चाहिए? कि हम कॉग्निटिव रूप से फ्लेक्सिबल हो, मतलब रिजिड ना हो, हम अनफेमिलियर स्टेज से भी कंफर्ट शो करें, हम दूसरों के डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स का एप्रिसिएशन करें, और ये सब मल्टीपल पर्सपेक्टिव को हम स्वीकार करें. ये सारी स्किल सामाजिक चेतना के लिए जरूरी है. इनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर कॉन्शियसनेस इन वेज दैट इनवाइट देम टू बिकम मोर बैलेंस्ड, कंपैशनेट, अल्ट्रुइस्टिक, एप्रिशिएटिव ऑफ डिफरेंस, एबल टू होल्ड कॉम्प्लेक्सिटी, कॉग्निटिवली फ्लेक्सिबल एंड ओरिएंटेड टुवर्ड्स प्रो सोशियलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल टास्क फेसिंग सोसाइटी इन द 21st सेंचुरी. मतलब कह रहे हैं कि 21वीं सदी में ये सारे गुण होना विद्यार्थियों में सबसे ज्यादा जरूरी है. तो कैसे करें? पेडागॉजी हमको अपनानी पड़ेगी सोशल कॉन्शियसनेस के लिए. इज एक्सप्रेस थ्रू मल्टीमीडिया लेसन प्लान. हम मल्टीमीडिया लेसन प्लान बच्चों को पढ़ाएं, उनको इंगेज कन्वर्सेशन में ग्राउंडेड इन, मतलब उनको इंगेज कन्वर्सेशन, उनको कन्वर्सेशन में इंगेज रखें, एक्सपीरियंशियल एक्टिविटीज़ कराएं, मतलब उसमें सेल्फ रिफ्लेक्शन आएगा, एक्सप्लोरेशन ऑफ पॉजिटिव रोल मॉडल्स, उनको पॉजिटिव रोल मॉडल से उनको उनकी मुलाकात कराएं, उनका साक्षात्कार कराएं, और कोलैबोरेटिव लर्निंग प्रोजेक्ट्स करें और कराएं. ये करने से सोशल कॉन्शियसनेस बच्चों में आएगी. Such program is designed to offer learners the ability to understand how their worldview affects their perception and behavior, and by extension, how others' worldviews affect their perceptions and behavior. ऐसा करने में बच्चे, विद्यार्थी, ये उनके अंदर ये योग्यता आती है कि वो समझ सके कि दूसरों का व्यू पॉइंट कैसे उनको प्रभावित कर रहा है और उनका व्यवहार कैसे दूसरों को प्रभावित कर रहा है. Such exploration is intended to support young people becoming effective leaders, able to meet social, cultural, political and environmental demands with strength and purpose. ऐसा करने से क्या होगा कि वो बढ़िया प्रभावी नेता बन सकेंगे और सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय जो डिमांड्स आजकल आ गई हैं समाज में, उनको वो डील कर सकेंगे पर्पस के साथ, स्ट्रेंथ के साथ. और हम क्या कर सकते हैं? सोशल इमोशनल लर्निंग की आजकल बहुत बात होती है, सोशियो इमोशनल लर्निंग भी लिखा रहता है. इनकम बेसिस 5 core competencies. तो इसमें 5 core दक्षताओं की बात करती है SEL, उसमें से एक सोशल अवेयरनेस भी है. सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट. सोशल मैनेजमेंट होना चाहिए, मतलब ये रिलेशनशिप मैनेजमेंट है ना. सोशल अवेयरनेस, रिलेशनशिप स्किल्स एंड रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग 5 core competencies हैं इसकी, ठीक है. इट इज द प्रोसेस थ्रू विच ऑल यंग पीपल एंड एडल्ट्स एक्वायर एंड अप्लाई द नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स टू डेवलप हेल्दी आइडेंटिटीज, मैनेज इमोशंस एंड अचीव पर्सनल एंड कलेक्टिव गोल्स, फील एंड शो एम्पैथी फॉर अदर्स, एस्टैब्लिश एंड मेंटेन पॉजिटिव रिलेशनशिप्स एंड मेक रिस्पॉन्सिबल एंड केयरिंग डिसीजंस. अगर हमारे अंदर सोशल इमोशनल लर्निंग से हमको पढ़ाया जाएगा तो हमको क्या आएगा? हमको नॉलेज और स्किल्स को अप्लाई करना आएगा, हमारे अंदर हेल्दी आइडेंटिटी के लिए एटीट्यूड होगा, हम इमोशंस को मैनेज कर सकेंगे, हमारे पास कुछ पर्सनल और कलेक्टिव गोल होंगे जिनको हम पूरा करना चाहेंगे. नॉट व्हेन इट कम्स टू सोशल अवेयरनेस, SEL हेल्प्स स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द पर्सपेक्टिव्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स. यानी कि दूसरों के पर्सपेक्टिव और एक्सपीरियंस को हम समझ सकें तो हम निश्चित रूप से हमारे अंदर सामाजिक चेतना होगी. इट इनकरेजेस देम टू कंसीडर द ब्रॉडर सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड चैलेंजेस देम टू थिंक क्रिटिकली अबाउट सोशल इश्यूज. इस तरह से अगर सामाजिक चेतना ग्लोबली हर बच्चे में हम डेवलप कर पाए तो हम सारे जो चैलेंजेस हैं, इक्वालिटी, जस्टिस एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इन सबको बढ़िया तरीके से डील कर पाएंगे. तो ये है, अगर हम सोशल कॉन्शियसनेस डेवलप करना चाहें तो हमको रियल वर्ल्ड इश्यूज पे बच्चों से बात कराइए, उनको एक इंडिपेंडेंस की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, अपॉर्चुनिटीज टू बी अ रेस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ कम्युनिटी हमको ये सिखाना है, बेसिक सोशल स्किल्स सिखानी है जैसे कोऑपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, टेकिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स, अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन क्या क्या हैं, जैसे हम कम्युनिटी सर्विस कर सकते हैं, हम स्टूडेंट्स हेल्पिंग स्टूडेंट्स, इन स्कूल सर्विस कर सकते हैं, और डेवलपिंग बेसिक पार्टिसिपेटरी अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स के लिए इनको क्या करना चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स, कंसेंसस बिल्डिंग स्किल्स, ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एटसेट्रा.
तो इस तरह से सोशल कॉन्शियसनेस है वो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस से भी रिलेटेड है, वो आपका सोशियो इमोशनल लर्निंग से भी रिलेटेड है, और ज़रूरी इसलिए है कि हमको ग्लोबल ग्लोबल जो चैलेंजेस हैं उनको डील करने के लिए सोशल कॉन्शियसनेस होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम दूसरे के पर्सपेक्टिव, जैसे ही आप दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने लगेंगे वैसे ही सारा कॉन्फ्लिक्ट और विवाद और वॉर और जो कुछ भी चल रहा है समाज में गलत, वो सब ठीक हो जाएगा, दूर हो जाएगा, है ना। तो एक छोटा सा टॉपिक रहा फोस्टरिंग सोशल कॉन्शियसनेस एमंग लर्नर्स, बट इट इज द न्यू इंक्लूजन, न्यू इंट्रेंट इन योर कोर्स, सो यू मस्ट बी नो अबाउट इट। ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन।